मॉल भी जाना है तो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं जल्दी से जाके सो जाती हूँ। गुड नाइट। वन टू फोर माइक चेक, कैमरा चेक। हाँ चालू हो गया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अब मैं गाना गाने वाला हूँ। कैमरा ऊपर देख, ऊपर। कितना प्यारा मुझे रब ने बनाया, कितना प्यारा मुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं। आपने जो पार्वती का लुक क्रिएट किया वो भी बहुत भारी है। थैंक यू। तो मामा ने मुझे स्कूल ड्रॉप कर दिया और पापा मुझे लेने के लिए आए और मैं ना बहुत एक्साइटेड थी मॉल जाने के लिए। पापा अभी हम पुराने वाले घर पे जा रहे हैं अपने। हाँ, तेरी मम्मी को इधर ही मैं अभी लेके आया था, तो अभी पुराने घर पे ही तेरी मम्मी ने बुलाया वाला है। अच्छा, अभी घर जाने के बाद में पापा को पता चलेगा कि हमें मॉल जाना है। वापस हम हमारे पुराने वाले घर पे जा रहे हैं और वही पुरानी यादें ना ताजा हो रही है। मम्मी आ गई। और आज हमारे स्कूल में ना इंग्लिश का ओरल भी था। और मैंने ना अपने स्कूल के लिए स्पीच भी लिखी। पढ़ के सुनाओ। गुड मॉर्निंग ऑल। माय स्कूल इज बेस्ट प्लेस वेयर आई ऑलवेज वांट टू विजिट। माय स्कूल इज माय सेकंड होम। द नेम ऑफ माय स्कूल इज श्री शारदा मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल। माय स्कूल इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन माय सिटी। द बिल्डिंग ऑफ माय स्कूल इज वेरी बिग एंड ग्रैंड। The gate of the school is very high and old. Thank you. बस इतना ही? तो पापा शॉर्ट में ही लिखना था, only 5 lines में। तो और 4-5 line और लिख देते तो अच्छा होता ना? तो 5 line बोला तो 5 line ही लिखूंगी ना। मैडम ने तो वेरी गुड बोला मेरे को। तो मैं अपने पुराने वाले घर पे आ ही गई हूँ, तो मैंने सोचा मैं अपने हेयर वॉश भी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं स्कूल जा रही हूँ ना, तो 2 चोटी डालनी पड़ती है। तो देखो ना कैसे हो गए मेरे बाल। हो गया मेरा हेयर वॉश। और हेयर वॉश करने के बाद मैं ना अभी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना पूरी 6 दिन के बाद में मैंने हेयर वॉश किया है। और अभी आप घर में चलो, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी दादी है ना क्या बना रही है। देखो यहाँ पे दादी क्या बना रही है। क्या बनाते हैं आई? कचौरी। कचौरी। तो यहाँ पे दादी मस्त कचौरी बना रही है। ये रही कचौरी की चटनी। और ये देखो, ये रहे हमारे कचौरी, ये रेडी हो गए। कितने मस्त है ना, छोटे छोटे। चलो हम इसको टेस्ट करते हैं। पापा, पापा, ये देखो दादी ने क्या बनाया है, गर्मा गर्म कचौरी। खा के बताओ कैसी है। मम्मी आप भी बताओ कैसी है। अच्छी है, देसी स्टाइल। तो भी जाने का कृष्णा को लेने को। हाँ, उसको भी लेके आना है ना। मैं आई। हम जा रहे कृष्णा के स्कूल उसको लेने के लिए। चलो कृष्णा की स्कूल है ना, छूट चुकी है। देखो मैम फर्स्ट स्टैंडर्ड। हाय, कैसा है तू? रुकना, जा ही रहे ना हम घर पे। बच्चा मजा आया? कैसा था आज तेरा दिन? बता। बहुत अच्छा था।
हमें अभी मॉल जाना है। तो एक्चुअल में हुआ क्या, मम्मी ने और हमने ना प्लान किया था कि हम है ना कृष्णा को स्कूल से लेके आएंगे और फिर उसके बाद में ना हम सब लोग है ना मॉल में चले जाएंगे घूमने के लिए। लेकिन है ना पापा पहले से ही बहुत टेंशन में थे और बहुत गुस्सा थे, और ऊपर से हमने मॉल वाली बात पापा को कह दी तो पापा है ना बहुत गुस्सा हो गए और हमको है ना घर ड्रॉप करके वापस उनके काम पे चले गए। पता नहीं अभी रात को क्या होगा। रे बाबा आ गए तुम लोग मॉल जाके, कर ली तुमने ढेर सारी शॉपिंग, तो तुम क्या लेके आए मेरे लिए वो तो बताओ मुझे। जाते टाइम तो बहुत एक्साइटमेंट में गए थे, बहुत खुशी से गए थे तुम लोग, लेकिन आते टाइम पे ये तुम्हारी शक्ल क्यों लटके वाली है, क्या हो गया तुमको? तो जब भी मुझे टेंशन होता है या फिर बैड फील होता है ना तो मैं अपने है ना गेमिंग रूम में आके थोड़ी देर सो जाती हूँ। तो क्या है मुझे है ना अच्छा लगता है मेरे गेमिंग रूम में आके सोना। अरे सोने से पहले है ना मैं अपने पेड़ पौधों को थोड़ा सा पानी दे देती हूँ। क्या हुआ मॉल नहीं गए तो जब मैं लाइव स्ट्रीम करूंगी ना तब आप मेरे पास बैठना, ठीक है? ए बॉटल अभी मैं तुझे नीचे फेंकूंगा, अभी तू है ना तेरे पैरों से ऊपर चढ़ के आना ये बेड के ऊपर, समझी क्या? चल आजा अभी ऊपर, अभी वो बॉटल अपने पैरों से ऊपर चढ़ के आएंगे देखो। अरे बॉटल तू आई नहीं क्या अभी तक? तुझे मैंने सिर्फ खड़े होने के लिए नहीं बोला, ऊपर चढ़ के आने के लिए बोला। अभी मैं ना इसमें हाथ डाल के ना ये लाइट को ही करंट दे देता। जल्दी ऊपर आ। तू अच्छा ठीक है, अभी मैं तुझे ऊपर उठाता, खुद को चढ़ के ऊपर आने को नहीं आ रहा तेरे को। चल ऊपर आ, देख गिर गई नीचे, जा मैं नहीं ले रहा अभी तुझे ऊपर, तू नीचे ही रहे उधर, चल तेरी ऐसी की तैसी। तो पापा है ना रात में बहुत लेट आए और मेरी और पापा की है ना मुलाकात ही नहीं हो पाई, और है ना मैं आज है ना पूरे दिन अपने गेमिंग रूम में ही सोई रही और मम्मी को भी वो अच्छा नहीं लगा, इसीलिए पापा आने के बाद में ना मम्मी ने भी पापा को अच्छी खासी बातें सुनाई। क्या अभी कल से दीपू से नाराज है? सवेरे वो कितना उठाने आई थी पर उठे नहीं। आपके काम का टेंशन ना बाहर छोड़ के आओ, घर पे मत निकाला करो, और खास कर बच्चों के ऊपर। हाँ ये रह गया अभी, यही रह गया बोले तो। और कल कितना बोल रही थी घूमने लेके चलो, बस घूमने जाने का है, बस कहाँ मॉल में जाओ खर्चा करो बस वही करते रहो, बस घूमने चलो। चल ठीक है हम ही उसको सरप्राइज दे देंगे। सो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और हाँ वो सरप्राइज क्या होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को ढेर सारी लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट रेड वाला बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल। और सरप्राइज के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ।